हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं हॉर्नबिल चैप्टर 8, सिल्क रूट बाय निक मिडल्टन। अगर हम अबाउट द ऑथर की बात करें तो निक मिडल्टन एक ज्योग्राफर थे, राइटर एंड प्रेजेंटर ऑफ टेलीविजन डॉक्यूमेंट्रीज। ही टीचेस एट ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी, इट मीन्स ही इज लाइव यट, एंड ही ट्रेवल्ड मोर देन 50 कंट्रीज, 50 से ज्यादा देशों में उन्होंने यात्रा की। जो प्रेजेंट चैप्टर है द सिल्क रोड, इस सिल्क रोड में ही डिस्क्राइब्स द ऑथर्स पिलग्रिमेज ऑफ माउंट कैलाश। माउंट कैलाश का जो एक यात्रा है कैलाश पर्वत की, उसको यहाँ ऑथर ने बताया है। ही डिस्क्राइब्स द थिंग दैट ही सॉ, पीपल, लैंडस्केप एंड एनिमल्स एटसेट्रा। तो चलिए डिटेल समरी हम लेसन की स्टार्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि जिस दिन सुबह हमने विदा ली, बेदाग अर्ध चंद्रमा सुंदर नीले आकाश में तैर रहा था। चांगतांग को पार करने के लिए हमने एक छोटा रास्ता लिया और राबू में धीरे धीरे घूमते हुए पहाड़ियों को हमने छोटे मार्ग से विशाल खुला मैदान पार किया, और हमने वहां हिरन और जंगली गधे वहां हमने देखे। ऑथर आगे कहते हैं कि हम बंजारों के काले जो टेंट थे उनके पास से गुजरे, जो शान के साथ अलग थलग गड़े हुए थे, जिनके आगे तिब्बती कुत्ता मेस्टिक, जिसको कहा जाता है, वो गार्ड वहां कर रहा था। हमने बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई दिए, हमें दिखाई दिए, और हमने वैली में प्रवेश किया, और वहां हमें एक चौड़ी नदी दिखाई दी। रास्ता नदी के किनारे से होकर जाता था। अब रास्ते में उन्होंने क्या देखा, इसको यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं कि रास्ते में हमने दोनों ओर बर्फ देखी जो ढलान को चिकना बना रही थी, और हम लगभग समुद्र तल से 5,210 मीटर की ऊंचाई पर थे। उनके साथ एक दूसरा ट्रेवलर था जिसका नाम डेनियल था। तो डेनियल ने कहा कि यदि हम फिसल गए तो हमारी जो कार है वो पलट सकती है। इस प्रकार वे दर्रे की चोटी पर लगभग 5,500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए, और वो जो पास था वहां, पास के दूसरी ओर वो तेजी से नीचे उतरने लगे। एक टेंट में वहां वो ब्रेकफास्ट के लिए रुके और उन्होंने नूडल्स खाए, और वो जो नूडल्स थे वो जो उनका स्टे था वो एक सॉल्ट लेक थी, उसके किनारे वे वहां रुके थे। फिर लेट आफ्टरनून वे पहुंचते हैं एक होर, HOR होर नामक एक छोटा सा टाउन था जो लहासा से कश्मीर के पुराने जो व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। जो टाउन था होर, वो बड़ा ही अगली और मिजरेबल प्लेस वहां उनको दिखाई दिया। वेजिटेशन का वहां नामो निशान नहीं था, और था तो केवल क्या, डस्ट, सॉल और कूड़ा कचरा भारी मात्रा में वहां फैला हुआ था। और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह थी कि वो जो टाउन है होर, वो कहाँ था, मानसरोवर जो झील है उसके किनारे पर स्थित है। प्राचीन हिंदू और बौद्ध विश्व ज्ञान में मानसरोवर को चार महान नदियां जो हैं हमारी सिंध, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र का स्रोत माना गया है। और आगे वो कहते हैं कि मैं कैलाश पर्वत के निकट था और आगे बढ़ने को मैं उत्सुक था। मानसरोवर लेक को देखने के बाद यात्रियों के जो वर्णन मैंने पढ़े हैं उनसे जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल उनके विपरीत था। रात को उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको जुकाम हो गया और रात भर सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगी। अगले दिन एक तिब्बती डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर से दवाई ली, और उस जो टाउन में वो वर्णन करते हैं कि वहां जनरल स्टोर्स वहां थे जिनमें शुगर, सिगरेट, साबुन और डेली नीड्स की जो बेसिक चीजें हैं वो वहां मिलती थी। दोपहर में वहां लोग पोलो खेलने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। खुली हवा में महिलाएं जो बर्फीला पानी था उसमें बाल धोती थीं, और जो दार्चेन है वो एक शांत और बिना भाग दौड़ वाला एक टाउन था।
कहते हैं कि यही मैं नोरबू से मिला और हमारा जो कन्वर्सेशन शुरू हुआ वो एक तिब्बती था और कोरा करने के लिए वहां आया था। नोरबू भी गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था और उसके पास भी मेरी तरह जो यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री थी उसकी कमी थी। ऑथर आगे कहते हैं कि मैंने सोच विचार करने के बाद डिसाइड किया कि नोरबू यात्रा करने के लिए मेरे साथ एक आइडियल कंपेनियन वो सिद्ध होगा। और इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो जाता है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड देन प्रेस द बेल आइकन। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।